हेलो स्टूडेंट्स, आज दी क्लास विच अपा कवर करांगे जी पार्ट वन टॉपिक जो कि न्यू लिस्ट दे विच ऐड होए आ सितंबर टू दिसंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ने जेड़े बच्चे हुण सोच रहे ने कि एग्जाम देना है। सो स्टार्ट करते हैं जी आज दी क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आज गुड व्यू, ठीक है, टॉपिक है गुड व्यू ते। सो इहदा फर्स्ट क्वेश्चन है कहिंदे व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस एंड वाई, थोड़ी किहड़ी प्लेस फेवरेट है ते क्यों है। हुण फेवरेट प्लेस किसी भी परसन की कोई भी हो सकती है, उन्होंने मैनशन कर दो, उहदा रीज़न देना। सो कहिंदे माई फेवरेट प्लेस इज द सेंट्रल पार्क ऑफ माई होम टाउन बिकॉज इट हैज़ अ पीसफुल एनवायरमेंट। सो मेरी जिहड़ी फेवरेट प्लेस आ उह पार्क है ना, सेंट्रल पार्क है मेरे होम टाउन दे विच है। क्यों पसंद है? क्योंकि उत्थे बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरमेंट होंगे। मोर ओवर हूँ आप होर बारे दसना तो कनेक्टर लगा दिता, कहते वॉचिंग द ग्रीनरी मेक्स मी फील काम एंड रिलैक्स। तो जो कहते मतलब मैं वह पार्क के ग्रीनरी देखता है ना, वो कहते मैं कि फीलिंग आँदी है बहुत ही कामनैस वाली, प्लस मैं रिलैक्सड फील करता। तो ये अपने ऐड करता मोर ओवर एडिशनली इन एडिशन है ना, तो उन्हों ही अगे इलैबोरेट करता। बट जो क्वेश्चन पूछे आप उस रहे, यही कि आप बहुत सारिया प्लेसिज दसन लग गए या कुछ है ना, आप डायरैक्टली एक प्लेस दसी तो मैं वह क्यों पसंद आ, वो जस्ट दो रीज़न देते, एक पीसफुल एनवायरमेंट हों, दूसरा मैं कि लगता उ ग्रीनरी देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्सफुल लाइक मैं रिलैक्स फील करता है ना, भी रिलैक्सफुल रहना मैं उत्थे। नैक्सट है जी हूँ सैकेंड क्वेश्चन, कहते वुड यू टेक फोटोज़ वैन यू सी अ गुड व्यू। कि है ना तुम फोटोज़ भी तुसी टेक करना करते हो, वुड यू टेक फोटोज़ वैन यू सी आ गुड व्यू, मतलब कि जो तो कोई गुड व्यू देखते हो। ऑफकोर्स लाइक अदर्स दूजे की तरह आई एम ऑलसो अ पैसेंजर ऑन द सेम लेन, मैं भी पैसेंजर ऑन द सेम लेन, मतलब कि होंगे जोड़ा काम दूजे करना पसंद हो तो भी पसंद हो। सो दूजे की तरह कहते मैनू भी पसंद है। आई ऑलवेज लव टू टेक पिक्चर्स ऑफ गुड व्यूज़, मैनू हमेशा पसंद है जो मैं कोई गुड व्यू दिख जाता मैं वो पिक्चर क्लिक करता। रीसेंटली आई क्लिक द पिक्चर ऑफ अ सनसैट विद क्लाउड्स विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग। तो रीसेंटली ये एग्जाम्पल के तौर पर हो गया, तो मैं एक पिक्चर क्लिक भी की है ना, तो वह किस बारे से कहते जिस सनसैट से विद द क्लाउड्स, तो जिहड़ी कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगती है। सो डेफिनेटली देखो स्टार्टिंग है कि अलग तरीके की, ऑफकोर्स लाइक अदरस, ठीक है, दूजे की तरह कहते मैं भी उस लाइक की हाँ उस लेन का सेम पैसेंजर हाँ, भी जिमें दूजे पसंद है मैनू भी पसंद है। सो मैं पिक्चर्स क्लिक करना, कहते मैं वधिया लगता जे मैं कोई गुड व्यू दिख जाए तो मैं वो पिक्चर हमेशा क्लिक करना। थर्ड क्वेश्चन है हैव यू सीन एन अनफॉरगेटेबल एंड ब्यूटीफुल व्यू और सीनरी। कि तुसी कदे देखी है कोई ना भुलण जोग वाला कोई इदां दा दृश्य इदां दी सीनरी। Yes, I have seen several unforgettable and beautiful views. So, कहते मैं बहुत सारिया देखिया, several होंगे बहुत ज़्यादा। One that stands out जो मेरे दिमाग हूँ हैगी है कहते was during a trip to the Himalayas with my friends last year, जो मेरे माइंड हूँ है या मैं जी रिमैबर है जिमें आप कहने आई रिमैबर्ड। सो आप लाइन लिखी वन दैट स्टैंड आउट जो मेरे हूँ माइंड है वो की है, जो मैं अपने फ्रेंड्स के नाल ट्रिप पर गया सी द ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स, ब्रीथ टेकिंग होंगे बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, मैजेस्टिक माउंटेन्स बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड क्लीयर ब्लू स्काइज वर इनक्रेडिबल। तो जोड़ा कहते आसमान से बहुत ही क्लीयर से बहुत ही ज़्यादा वधिया से। आई कैप्चर्ड मैनी ऑफ दोज मूमेंट्स विद माई कैमरा, मैं बहुत मूमेंट्स कहते अपने कैमरा के कैप्चर भी किया एंड दे रिमेन सम ऑफ माई फॉन्डेस्ट मैमरीज। तो वह कहते मेरिया बहुत ज़्यादा कि ने भी वधिया मैमरीज चो एक ने। सो पूरी हूँ देखो ये क्वेश्चन से यह इलैबोरेट हो सकता सी, हूँ जेडे वो तो उपर आप क्वेश्चन किए वो इलैबोरेट नहीं सी हो सकते। तो यह नहीं कि आप किसी क्वेश्चन के आंसर में धक्के ही खिंची जाना, पूछा तो गला नेम है ना, तो उन्होंने तुम कहो कि चार पाँच लाइना च नहीं हो सकता, जोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो सकता जस्ट उन्होंने ही एक्सप्लेन करो प्रॉपरली, अदरवाइज बाकिया की लेंथ 2 to 3 सेंटेंसिज रखो। हूँ ये एक्सप्लेन हो सकता सी किमें हो सकता सी, पहला कहता कि मैं बहुत सारे व्यूज़ देखे आ, उस तो बाद कहते जो मैं बिल्कुल याद है रिमैबर है वो सी मेरे फ्रेंड्स के नाल है ना, वह की से बारे दसता, तो वह मेरी एक बहुत वधिया मैमरीज चो एक है। नैक्सट है कहते वट इज़ द व्यू लाइक अराउंड द प्लेस वेयर यू लिव।
जिथे तुसी रहने हो उत्थों दा व्यू किस तरह का है? कहते आई लिव इन एन अर्बन एरिया, मैं अर्बन एरिया च रहना हाँ, ठीक है। सो देर आर नॉट मैनी ग्रीन स्पेसिस ड्यू टू द बिल्डिंग्स, उत्थे बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लेसिस तो नहीं है क्योंकि उत्थे बिल्डिंग्स ने। हाउएवर पर दूजी साइड जो कहते मैं गल करा, हाउएवर हमेशा आप ऑपोजिट या कंट्रास्टिंग व्यू ले देंदे हुंदे आ। कहते देर आर सैवरल पार्क्स वेयर आई लव टू गो एंड रिलैक्स माई माइंड। हुण इत्थे गल की हुई, कनैक्टर का सही यूज़ करया करो। हाउएवर हमेशा जदों आपां दूजे पहलू की गल करनी आ, पहला कहता कहिंदे मैं एक अर्बन एरिया च रहना जिथे ज़्यादा ग्रीन स्पेसिस नहीं आ, पर हाउएवर कहिंदे उत्थे पार्क्स बनिया हुई जिथे कहिंदे मैनूं जाना पसंद है ते मेरे माइंड नूं बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। हुण जिहड़े स्टूडेंट इत्थे अर्बन एरिया नहीं कहना है ना, तो वह कंट्री साइड कह सकता, विलेज कह सकता, उत्थे नॉट की जगह की आजगा, बहुत सारे ग्रीन स्पेसिस ने, ठीक है, उन्होंने अगे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये सिगे अगेन 4 क्वेश्चंस जो कि गुड व्यू दे उत्ते ने एंड बहुत पॉपुलर टॉपिक रहा है। ये पहला दे टाइम दे विच भी बहुत पुराना टॉपिक है, दोबारा ऐड होया, क्वेश्चंस नू चेंज कर दिता गया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक दे नाल, बाय बाय, टेक केयर।